मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कविताज क्रिएटिविटी को और बेल आइकन दबाना भी ना भूले ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाएं। तो गाइस बोटिंग हमने कर ली है और अब हम जा रहे हैं जितने भी पॉइंट्स हैं ना नैनीताल के वो विजिट करने। 11 पॉइंट्स आई थिंक, जिसमें बड़ा पत्थर है, केव गार्डन है और सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो हमने टैक्सी की है, मतलब बुक की है, और प्राइस और सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और भैया का नंबर भी दे दूंगी। तो आप अगर यहाँ आ रहे हो नैनीताल में तो आप डायरेक्टली उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो और विजिट कर सकते हो, सारे पॉइंट्स अच्छे से घुमाएंगे वो। तो चलो फिर देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा हमारा भैया के साथ। हेलो, यस आई एम जयराज फ्रॉम नैनीताल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टेलिंग अबाउट नैनीताल व्हाइल यू आर विजिटिंग इन नैनीताल। तो आपको थोड़ा नैनीताल के बारे में बताया तभी मजा आता घूमने का। इस नैनीताल शहर को आप लोग घूम रहे हैं ना भैया, इस शहर की जो ऑफिशियल डिस्कवरी मनी थी 18 नवंबर 1841। इस साल क्या हुआ कि नैनीताल का जो 181 जो है आपका जो है यहाँ पर बर्थडे बनाया गया। नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, शिमला हो गया ना, ये सारे जो प्लेसेस हैं जो खोजे हुए अंग्रेजों में खोजे हुए हैं। नैनीताल और मसूरी के बीच जो डिफरेंस है मैम वो मालरोड का है। जैसे शिमला और मसूरी आप लोग जाते हैं ना, तो उधर जो मालरोड वगैरह आप लोग घूमने जाते हैं वो सिंगल मालरोड है। हम लोग नैनीताल के मालरोड के दो पार्ट्स हैं, ये लोअर मालरोड और ये अपर मालरोड। तो ब्रिटिश टाइम में होता क्या था, इस रोड में सिर्फ हिंदुस्तानी आदमी लोग चला करते थे जिन्हें काले लोग बोलते थे, और ऊपर की रोड हुआ करती गोरों के लिए। अगर जी हाँ, अगर गलती से कोई हिंदुस्तानी आदमी अगर ऊपर की रोड में चलता पाया जाता तो अंग्रेज से 10 कोड़े मारा करते थे एहसास दिलाने के लिए हिंदुस्तानी और अंग्रेजों का फर्क क्या है। फिर देखिए मॉल रोड के जो महंगे महंगे लोग शुरू होते हैं भैया जी, वो यहाँ से शुरू होते हैं। जो मॉल रोड के अंदर जो सबसे फेमस और सबसे एक्सपेंसिव होटल माना जाता है वो है अलका आउटलुक। सामने देख रहे हैं आप, ये अलका आउटलुक। गाइस ये होटल, इसकी बुकिंग हम लोग को नहीं मिली थी, तो अगर आप यहाँ पे, एक 4-स्टार होटल है अलका, तो आप जरूर आना, यहाँ पे हमारा मिस हो गया। इस नैनीताल की लेक में अभी आपने बोटिंग करा ना भैया, ये लेक हमारा दो पार्टों में डिवाइडेड एरिया वाइज, तल्लीताल एंड मल्लीताल। तो जिस एरिया पे आप हमें मिले ना भैया, इस एरिया को बोलते हैं तल्लीताल, डाउन पार्ट ऑफ द लेक। और ये सामने जो येलो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रहा है ये है सेंटर पॉइंट ऑफ द लेक, दिस इज कॉल्ड मिड लेक, आदमताल बोलते हैं इसे। जो पीछे का पोर्शन चले गया ना भैया वो तल्लीताल, जो अपकमिंग एरिया है उसको बोलते हैं मल्लीताल। ओके, ये जो हमारी लेक है ये 125 किलोमीटर लंबी झील है, 400 मीटर चौड़ी और 120 फीट गहरी झील है। कौन सी जगह भैया? ये सामने वाली। ओ ये, अच्छा मतलब ऋतिक रोशन कौन सी मूवी में कोई मिल गया। हाँ, तो राइट हैंड साइड में हल्का सा पिक करेंगे तो ये है नैनीताल का पहला चर्च, सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च 1858। कौन सा? सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च, वो जो पीछे रेड बिल्डिंग है। 1858 का ये चर्च, 1858 का। ये नैनीताल का पहला चर्च है। देखिए हम लोग आ गए हैं मल्लीताल एरिया पे, थोड़ा स्पेशलिटी इस एरिया के बारे में बताएं नैनीताल के बारे में आपको। ये एक नैनीताल ऐसे वस्तु मोस्टली कहते हैं ऑल इंडिया में एक पहला शहर है जहाँ रिक्शे भी आपको लाइन सिस्टम से मिलेंगे। जैसे आप लोग क्या होता है कि जैसे आगरा साइड में आप लोग हैं ना, तो रिक्शा वाले भैया को बुला लेते हैं यहाँ जाना वहाँ जाना, फिर आप पैसे तय करते हैं ना। यहाँ पर कुछ करने की जरूरत है, आपको सिर्फ क्यू में खड़ा होना है, 10 रुपीज़ पर पर्सन में मल्लीताल से तल्लीताल छोड़ेंगे, और तल्लीताल पर वही क्यू सिस्टम है, क्यू से आप लोग आएंगे तभी आपको रिक्शा मिलेगा, आउट ऑफ क्यू आपको रिक्शा नहीं मिलेगा। केव गार्डन जो है 1992 पे स्टार्ट होता है यहाँ पे, जिसके अंदर पत्थर पट्टी की छोटी छोटी गुफाएं, जिसके अंदर से क्रॉल करके सिंक करके आपको निकलना पड़ता है। उसके अंदर जो एंट्री टिकट है 100 रुपीज़ पर पर्सन का है, ठीक है ना। देखिए जैसे भी यूट्यूब पे देखा होगा काफ़ी फ्लैश हुआ है ना मैम, और वो प्लेस आप थोड़ा प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस करिएगा, क्योंकि कई लोग होता है वैसे बेसिकली जो जगह है वो छोटे बच्चों के लिए जगह अच्छी है, जिसमें छोटी छोटी केव्स है मैम, जिसके अंदर बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ वगैरह होती है ना वो है। उसका सिस्टम ये है, एक बार आप टिकट लेके गेट से अंदर एंटर कर गए ना भैया और आप केव्स नहीं गए, क्योंकि आप देखा कंजेस्टन में लौट के आगे तो टिकट रिफंड नहीं होगा आपका। तो गाइज हम लोग आ गए हैं केव गार्डन में, जिसकी टिकट है 100 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ पे अलग अलग केव्स हैं, टाइगर केव, पैंथर केव, तो फिर आप भी आ सकते हो। यहाँ हर गुफा में अलग अलग जानवर तथा पक्षी आपके स्वागत के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आइए इस रोमांच और चुनौती से भरे सफर की शुरुआत करें। टाइगर केव और पैंथर केव जा रहे हैं हम पहले गाइस।
चलिए पहले टाइगर केव पर चलते हैं। बहुत पतला है और मैं बहुत मोटी हूँ गाइस, पता नहीं केव में मैं जा पाऊंगी या नहीं। और यहाँ पे शेर की आवाज भी आ रही है यार, अनमू जा पाएंगे या नहीं। गाइस ये बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होने वाला है, टाइगर के में कहीं टाइगर ना आ जाए। गाइस शेर आ गया तो तुम मुझे बचाओगे या अपने आप को? शेर को। क्या शेर को? दिखाओ यार, डर तो लग रहा है, चलते हैं वरना वापस आएंगे। हमने आधी टाइगर केव पार कर ली, इतना नैरो रास्ता था वो मैंने पार कर लिया बिना अपने पति की सहायता के। टाइगर कैब में गए थे गाइस, अब हम पैंथर केव में जा रहे हैं। गाइस अब हम जा रहे हैं पैंथर केव में। गाइस जो बीवी से ना करे प्यार उसका केव गार्डन में आना हो ये बेकार। ये आदमी देखो मुझे छोड़ के आगे आगे जा रहा है गुफाओं में। ओ हेलो सर, मैं हूँ पीछे। ओ पैंथर आ गया। मैं चली देखो गुफाओं की गली, मुझे रोको तो कोई पैंथर आ जाएगा। गाइस इसमें से पार निकलना है, कैसे जाऊं? बहुत छोटी छोटी केव्स हैं, थक गई मैं तो। बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है गाइस, जरूर आना आप। ये देखो कितनी छोटी सी केव है गाइस। फाइनली दो केव खत्म हो गई हमारी। आखिर हम बाहर आ गए। और मैडम आ रही है। देखिए गुफा में से कौन निकला, एक भैंस। गाइस अब हम ये वाली चार केव्स कवर कर रहे हैं, टाइगर और पैंथर हो गई है। Think about the times you let me go. तो गाइज हम वो चारों केव हुए हैं और बैट्स केव बहुत नैरो है। मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत नैरो थी, क्रॉल करके जाना पड़ रहा था। तो आप आना तो ज़रूर विजिट करना। और यहाँ पे एक बच्चों के लिए पार्क भी है, तो अगर आपके बच्चे भी आ रहे हैं साथ तो फिर उनको पार्क ज़रूर लेके जाना, वहाँ पे काफ़ी सारे झूले हैं। तो चलो फिर वहाँ चलते हैं। तो गाइज ये बच्चों के लिए पार्क है जहाँ पे बच्चों को आप अपने ला सकते हो। तो गाइज अब मैं जा रही हूँ एयर साइकिलिंग करने, मैंने कभी नहीं करी पहले तो मैं उसका एक्सपीरियंस लेना ज़रूर चाहती हूँ। तो चलिए फिर एयर साइकिलिंग करते हैं। अनमू मना कर रहे हैं बट मुझे तो करनी है।